हेलो गाइस दिस इज श्रीयम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स तो यही डाला जाए फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बाय फेज डायग्राम चलो पढ़ने वाले हैं फेज डायग्राम से फेज डायग्राम ठीक है बच्चों तो सबसे पहले समझना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स का क्या मतलब हो रहा है इसका मतलब हो रहा है क्या कि आपके पास एक आइडियल सोल्यूशन होगा जिसमें दो लिक्विड्स होंगे ऑब्वियस है कि एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा आपको उसमें से एक को डिस्टिलेट आउट करना है मतलब कि एक को प्योरीफाई करना है प्योर फॉर्म में उसको आपको सेपरेट करना है या फिर कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स करना है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्लेशन फ्रैक्शनल डिसलेशन में बेसिकली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम लोग लिक्विड uh, को डिस्टिलेट करते हैं ठीक है बच्चों डिस्टिलेट करने का मतलब होता है uh, पहले उसको भीपराइज करो और फिर उसको कंडेंस करके बाहर निकाल लो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टलेट और जो बच जाता है दैट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू ठीक है तो इसको हम लोग वन बाई वन देखते हैं वाट इज़ दिस एक्चुअली ओके तो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड हम लोग को पढ़ना है बाय फेस डायग्राम एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम भी कहते हैं ऑफ लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड वेपर भेपर इक्वेबरियम ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड वेपर इक्वेबरियम को बेसिकली और किसके रिस्पेक्ट में उसके बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ठीक है बच्चों तो स्टार्ट करें तो डायग्राम बनाने से पहले या फिर ग्राफ बनाने से पहले हम लोग कुछ एजम्सर लेते हैं जैसे मान लिया जाए लेट ए ए एंड बी आर इन लिक्विड मिक्सचर आर इन लिक्विड मिक्सचर ठीक है और वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड द प्योर फॉर्म इज पी A नॉट और भीपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड इन प्योर फॉर्म दिस इज P V नॉट दिस इज इन प्योर फॉर्म obvious है कि नॉट लिखा हुआ है तो प्योर फॉर्म ही होगा प्योर फॉर्म में ठीक है एंड एक एजमसन ले लें दोनों में वेपर प्रेशर किसी का ज़्यादा किसी का कम कर लेते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि भेपर प्रेशर ऑफ़ पी ए इज़ लेस देन भेपर प्रेशर ऑफ़ पी बी नॉट ये अपना एजम्पन है ठीक है हम लोग ये मान के चलेंगे कि ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में वो कम है जबकि बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में वो ज़्यादा है ठीक है बच्चों अब अगर हम लोग हम लोग जानते हैं इस बात को चूँकि वेपर प्रेशर इज़ इनवर्सलीपोर्सन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड सो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए द प्योर फॉर्म विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इन द प्योर फॉर्म तो हम लोगों को चूंकि बॉइलिंग पॉइंट कम्पोजिशन डाइग्राम बनाना है तो हमें यह जानना जरूरी ही था कि ए और बी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ठीक है बच्चों तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसी डेटा की मदद से कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको फेस डायग्राम भी कहते हैं इसको हम लोग फेस डायग्राम भी कह सकते हैं फेज डायग्राम इज एक्चुअली वॉट वॉट इज फेज फेज जैसे वेपर लिक्विड ये सब फेज हुए है ना फेज डायग्राम तो देखा गया ये मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी का ले रहा हूँ इधर और ले लेता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बच्चों और चूंकि प्योर फॉर्म में और ये मूल फ्रैक्शन का अपना एक्सेस रहेगा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो बी का है वो मैं वन ले, ले लेता हूँ यानी प्योर फॉर्म और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वन रहेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हो जाएगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा और जब प्योर फॉर्म में बी रहेगा तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मान लेता हूँ मैं ये रहा तुम्हारा टी बी नॉट उसी तरह से जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन में तो बी का मोल फ्रैक्शन घट जाएगा और ए का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा ठीक है बच्चों तो यहाँ पे हो जानी है एक्स बी इज़ इक्वल टू जीरो और एक्स ए जो हो जाएगा यहाँ पे प्योर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ए का और जैसे इससे हम लोग आगे बढ़े थे तो वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो गया था ए का और बी का एब्सोल्युटली जीरो हो गया फाइनली तो यहाँ पे ये यह प्योर ए है तो प्योर ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है मैंने टी ए नॉट लिखा है जो कि टी बी नॉट से ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ टी ए नॉट ठीक है बच्चों ये रही बात अब इसका जो फेज डायग्राम होता है वो कैसा बनता है जरा ध्यान दें फेज डायग्राम में क्या होता है कि हम लोगों को दो फेज डिफाइन करना पड़ता है एक तो वेपर कंपोजिशन और एक लिक्विड कंपोजिशन तो ग्राफिकली जो बनाया जाता है वो मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ठीक है दिस इज द फेज डायग्राम ये जो आपको दिख रहा है ये जो पोर्सन ऑब्वियसली ये हाईअ टेम्परेचर पे है यानी कि यहाँ पे बी का भी बी से ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहा है आपको यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी से ज़्यादा तो ये जो पूरा सीन है यहाँ पे ये पूरा सीन यहाँ पे भीपर कंपोजिशंस रहेंगे दिस इज वेपर कंपोजिशंस ये भेपर के लिए बनाया गया है ये भेपर कंपोजिशन है जब किसी लिक्विड को आप बॉयल करेंगे किसी सर्टेन टेम्परेचर पे तो उसका अपना एक सर्टेन भेपर बनेगा बॉयल करेंगे या फिर उसको हीट देंगे कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उसका एक सर्टेन भेपर बनेगा उसी का कंपोजिशन की यहाँ बात की जाएगी और यहाँ पे लिक्विड है लिक्विड कंपोजिशन ठीक है बच्चों चलिए अब करते क्या हैं अगर हम लोगों को ये पता है कि कोई दो लिक्विड का मिक्सचर है और दोनों लिक्विड में ए का मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसमें किस तरह से डिस्टिलेशन शुरू होता है डिस्टिलेशन मतलब एक तरह से सेपरेशन प्योर फॉर्म में किसी एक लिक्विड को प्राप्त करना दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कहने का मतलब हो गया बाय बॉइलिंग और एट बॉइलिंग पॉइंट ठीक है बच्चों तो बॉइलिंग करके या फिर उसको हीट करके या टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम लोग जब किसी दो लिक्विड को सेपरेट आउट कर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्लेशन यानी जो मेन पॉइंट बातें रखने वाली है वो है बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ही हम लोग सेपरेशन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्लेशन में ठीक है तो देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ये पता है कि ये जो पूरा सेगमेंट है ये लिक्विड का फॉर्म है अब मुझे मान लो कि मैंने एक सर्टेन लिक्विड बनाया जिसमें ये वाला कंपोजिशन मुझे पता है मैंने एक लिक्विड बनाया मैंने एक मिक्सचर बनाया जिसका जिसका जो कंपोजिशन है वो ये है यानी कि ए और बी को मैंने कुछ इस तरह से मिलाया है कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है या कंसनट्रेशन तुम अभी कहो वो इस कंपोजिशन के बराबर है ये कंपोजिशन अब यहाँ पे एक सर्टेन ए का मोल फ्रैक्शन होगा और सर्टेन बी का मोल फ्रैक्शन होगा ठीक है बच्चों तो ये लिक्विड मैंने बनाया ठीक अब मैं क्या करता हूँ इसे एक सर्टेन टेम्परेचर टी पे ये टेम्परेचर टी इस टेम्परेचर टी वन पे इस टेम्परेचर टी वन पे मैं इसे बॉयल करता हूँ ठीक है दिस इज़ दिस लिक्विड इज गोइंग टू बॉयल एट टेम्परेचर वन इस लिक्विड को जिसमें ए का कंसन्ट्रेशन कुछ है और बी का कंसनट्रेशन कुछ है इसको हम सी वन मान लें वन कंसन्ट्रेशन वाले लिक्विड मिक्सचर को टी वन टेम्परेचर पर बॉयल किया गया जैसे बॉयल किया जाएगा तो टीवन टेम्परेचर पर इस लिक्विड का भीपर बनेगा और इस लिक्विड का जो भीपर बनेगा वो भीपर कंपोजिशन में चला जाएगा इधर ये रहा है इस लिक्विड का भेपर मुझे ये सारे लिक्विड के भीपर कंपोजिशन के बारे में बात हो रही है और ये जो प्लॉट हो रहा है ये हमेशा लिक्विड कंपोजिशन की बात हो रही है अब इस लिक्विड को अगर तुम T1 पे तुम बॉयल करते हो ध्यान से सुनोगे इस लिक्विड को यानी कि C1 वाले लिक्विड को सीवन कंसनट्रेशन वाले लिक्विड मिक्सचर को अगर टीवन टेम्परेचर पे बॉयल करते हो तो इससे जो भीपर बनेगा वो कहाँ जाएगा देखो तो टीवन टेम्परेचर पे कौन सा भेपर पाया जा रहा है देखो तो वेपर तो यही मिल रहा है क्योंकि यही तो वेपर तो पूरा वेपर कम्पोजिशन यही डिफाइन कर रहा है ये एक्स ये पूरा जो प्लॉट है ये वेपर कम्पोजिशन को डिफाइन कर रहा है और टीवन टेम्परेचर पे पाया जाने वाला वेपर कंपोजिशन क्या है तो ये है यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ यह जो वेपर कम्पोजिशन है वह इस लिक्विड को जब टीवन टेम्परेचर पर बॉयल किया जाएगा तो मिलेगा यानी टीवन टेम्परेचर पर सीवन कम्पोजिशन वाले लिक्विड को जब बॉयल किया जाएगा, जाएगा जाए तो यह भेपर का कंपोजिशन मिल जाएगा अब तुम्हें क्या करना है जो तुम्हें भेपर मिला उस भेपर को तुम अब कंडेंस कर लो तो ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड भेपराइजेशन। अब इसको तुम क्या कर लो कूल cool डाउन कर लो ठंडा कर लो जैसे उसको ठंडा करोगे तो ये जो भेपर बना हुआ था टीवन टेम्परेचर पर सीवन कंसनट्रेशन वाले लिक्विड का जो भीपर बना हुआ था उस भेपर को तुम कंडेंस कर दो कंडेंस करने में क्या होगा भेपर में जितना लिक्विड रहा होगा ए और बी का वो तो उतना ही रहेगा ना भाई जितना इधर से भेपर बन के यहाँ आया अब उसी को तुम कंडेंस कर रहे हो तो जो कंपोजिशन भेपर का रहेगा वही कंपोजिशन लिक्विड का हो जाएगा अब यहाँ पे क्या हो चुका है मैंने अब पहले लिक्विड मेरा यहाँ पे था अब मेरा लिक्विड यहाँ पे आ गया यहाँ पे लेके देखें तो यहाँ पे मेरा क्या था एक की मात्रा ज़्यादा थी और बी की मात्रा कम यानी कि बी यहाँ पे कम था ए यहां पे ज्यादा था जैसे हम लोग यहाँ गए तो क्या हो गया कि बी की मात्रा बढ़ गई और ए की मात्रा कम गई अब मैं क्या करूँगा इस, इसी प्रक्रिया को मैं दोबारा करूंगा अब मैं क्या करने वाला हूँ फिर से इसे मैं एक सर्टिन टेम्परेचर पर क्या करूँगा इसे बॉयल करूंगा अब मैं क्या करता हूँ इसे टी टू टेम्परेचर पर बॉयल करता हूँ यानी कि इस लिक्विड के कंपोजिशन को जो इस भेपर को कंडेंस करने से मिला है उसको जब T2 टू टेम्परेचर पे बॉइल किया जाएगा तो इस इस टू टेम्परेचर पर कौन सा भेपर मिलेगा जो इसके सीधे में वो कहाँ पे मिल रहा है दिस इज इस लिक्विड को T2 टू टेम्परेचर पर जब बॉयल किया जाएगा तो अपने को ये भेपर मिलेगा ये भेपर कंपोजिशन मिलेगा यानी दिस इज वेपराइजन यानी कि ये फर्स्ट वेपराइजेशन है ये फर्स्ट कंडेंसेशन है ये सेकंड वेपराइजेशन है और यहाँ पे सेकंड कंडेंसेशन हो जाएगा सेकंड टाइम्स कंडेंसेशन यहाँ पे हो रहा है अब फिर से इसी वेपर को जब कंडेंस किया गया तो वह एक लिक्विड बन गया मिक्सचर बन गया अब यह जो कंपोजिशन अगर तुम ध्यान से देखो और यह कंपोजिशन को तुम ध्यान से देखो इसको तो ये सी है ये C2 है और ये C3 थ्री कंपोजिशन मिल गया है अगर इसी प्रक्रिया को मैं यहाँ पे तुम देख रहे होगा कि यहाँ पे तीन दो स्टेप पे मैंने काम किया एक बार मैंने T1 वन टेम्परेचर दिया तो C2 पे पहुँच गए और T2 टू टेम्परेचर दिया तो हम C3 पे पहुँच गए अगर इसी चीज़ को मैं एक बार और कर दूँ कि इस कंडेंस्ड लिक्विड को इस कंडेंस्ड लिक्विड को अब मैं अगर T3 थ्री टेम्परेचर दे दूँ और उसे बॉइल करूँ तो मैं क्या देखूँगा फिर से इसका भेपर बनेगा जो कि इस कंपोजिशन पे जाएगा ठीक है और इस कंपोजिशन को जब तुम कंडेंस करोगे तो वो यहां जाएगा और इसका जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो या फिर जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो यहां पे पहुंच जाएगा C4, C4। यानी कि कंसंट्रेशन C1 से C4 के सफर को जरा ध्यान से देखा जाए बच्चों जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे बी की मात्रा बढ़ते जा रही है और ए की मात्रा घटते जा रही है यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उसकी मात्रा बढ़ते जा रही है तुम्हारे कंडेंस्ड लिक्विड में यानी कि तुम्हारे डिस्टिलेट में जो तुम कंडेंसेशन करके जो प्राप्त करते हो उसको डिस्टिलेट कहते हैं तो तुम्हारे डिस्टिलेट में बी की मात्रा घटती जा रही है और एक की मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है अब तुमने तीन स्टेप में मैंने यहाँ पे बॉइलिंग किया है अब इसी तरह से मैं क्या करूँ एक स्टेप और अगर ले लूँ या दो स्टेप और मैं थोड़ा थोड़ा कम करके टेम्परेचर करके मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर कम करके बॉयल कर बॉ रहा हूँ पहले हाई टेम्परेचर बॉयल किया फिर उसे कम टेम्परेचर बॉयल कर रहा हूँ फिर उससे कम टेम्परेचर बॉयल कर रहा हूँ हू? अगर मैं इसी तरह से दो तीन और कर लूँ लेकिन ये भाई इससे कम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर क्योंकि इससे अगर कम हो गया तब तो भाई क्या हो जाएगा तब तो तुम्हारे रेसिड्यू कुछ बचेंगे ही नहीं अगर तुम इससे कम इससे तुम क्या कर दिए कम कर दिए तो क्या हो जाओगे जैसे तुम डिस्टलेट करोगे तो डिस्टलेशन होगा ही नहीं क्योंकि डिस्टलेशन होने के लिए क्या चाहिए कोई ना कोई का बॉइलिंग पॉइंट तो उसको कवर अप होना चाहिए अगर दोनों अगर तुम क्या कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट को इससे कम कर दिए यानी कि वो एक टेम्परेचर लिए जो यहाँ पे है अब इस टेम्परेचर पे दो ना बी बॉइल करेगा ना ए बॉइल करेगा तो आपको डिस्प्लेट कुछ मिलेगा ही नहीं तो आपके पास कोई भी डिस्प्लेट प्राप्त नहीं हो पाएगा तो चूंकि आपको कोई डिस्प्लेट प्राप्त नहीं हो पाएगा तो कहने का मतलब जो आपका रेसिड्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा तो रेसिड्यू में चेंज आप लोग ला रहे हैं रेसिड्यू में चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको डिस्टिलेशन कराना पड़ रहा है ठीक है यानी कि आपको जो भी टेम्परेचर देना है वह इस टी बी नॉट से ऊपर होना चाहिए और वह इस टी ए नॉट से कम होना चाहिए यानी कि जो भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे टी वन टी टू थ्री टी, टी वह क्या होना चाहिए आपका जो लिक्विड का मैक्सिमम बॉयलिंग पॉइंट था उससे कम होना चाहिए और आपके पास जो लिक्विड था उसके जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट थे उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी जा कर के आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाएंगे अगर इससे ज़्यादा कर दोगे तो कुछ रेसिड्यू बचेगा ही नहीं सब डिस्टलेट सब सब के सब क्या हो जाएंगे वेपराइज हो जाएंगे क्योंकि ये भी उड़ जाएगा ये भी उड़ जाएगा अगर मैं इस टेम्परेचर पे मैं डिस्टिलेशन करना चाहूँ तो इस टेम्परेचर पे ना ये बचेंगे ना ये बचेंगे यानी कि रेसिड्यू आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं सब के सब वेपराइज हो जाएंगे और अगर इस टेम्परेचर पर चले गए तो आपके पास फिर से ना ये वेपराइज़ होगा नहीं ये वेपराइज होगा यानी कि दोनों के दोनों आपके वेपराइज नहीं हो पाएंगे तो जब वेपराइजेशन ही नहीं होगा तो आपका फिर कंडेंसेशन का कोई सीन ही नहीं होगा फिर कोई डिस्टलेशन का कोई सीन ही नहीं होगा यानी कि जो भी टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना है वह इस टेम्परेचर टी ए नॉट और इस टेम्परेचर दैट इज टी बी नॉट के बीच होना चाहिए टी बी नॉट इस टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर हम लोग चुनते हैं अब इस टी थ्री के बाद टी थ्री से कम कोई टेम्परेचर ले लो जो कि टी बी नॉट से बड़ा हो अब इसी को तुम लेकर तुम एक दो और स्टेप और कर सकते हो तो तुम देखोगे धीरे धीरे ये और क्लोजर हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोगों ने एट टी वन टेम्परेचर पर पहला बॉइलिंग किया तो मुझे आ, क, जो वेपराइजेशन के बाद जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिला वो सी टू मिला टी टू के लिए किया तो सी थ्री प्रोडक्ट मिला मुझे कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिला और अगर टी थ्री पे किया तो मुझे सी फोर कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिला यानी कि डिस्पलेट भी कह सकते हो सी फोर डिस्प्लेट मिला और अगर डिस्टलेट कंपेयर करें तो डिस्टलेट में बी की मात्रा बढ़ते जा रही है ए की मात्रा घटती जाएगी दो तीन स्टेप और कम करके किया जाए तो हम लोग देखेंगे क्या कि बी की मात्रा करीब करीब प्योर हो चुकी है यानी कि जो आपका डिस्टलेट बना है वो शुद्ध हो जाएगा यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं दैट इज दैट इज डिस्टिलेट जो आपको मिलेगा यानी कि डिस्टिलेट डिस्टलेट कौन मिलेगा आपको तो डिस्टलेट मतलब क्या हो गया जो आप कंडेंसेशन के बाद आप प्राप्त करते हैं गेट आफ्टर कंडेंसेशन डिस्टलेट का मतलब गेट आफ्टर कंडेंसेशन कंडेंसेशन तो फाइनल जो डिस्टलेट होगा आपका अगर इसी तरह से हम लोग टी वन टी टू टी थ्री कम करते करते नीचे जाते जाएंगे लेकिन हाँ टी वी नोट से ऊपर तक ही रहेंगे इससे नीचे नहीं जाएंगे इससे नीचे जाएंगे तो फिर भाई डिस्टिलेशन हो ही नहीं पाएगा ठीक है तो हम लोग देखेंगे क्या जो डिस्प्लेट होगा आपको प्योर बी मिल जाएगा और रेसिड्यू जो होगा रेसिड्यू जो बच जाता है रेसिड्यू लेफ्ट इनसाइड कंटेनर लेफ्ट इनसाइड कंटेनर अगर आप किसी को वेपराइज करते हैं तो कुछ जो वेपर में नहीं कन्वर्ट कर पाया जो कंपोजिशन जो लिक्विड दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू तो रेसिडियो में क्या बच जाएगा आपका धीरे धीरे रेसिडियो में ए की मात्रा रह जाएगी ठीक है तो डिस्टिलेट जो होगा आपका वो प्योर बी बन जाएगा यानी कि हम लोग से यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो किस तरह के लिक्विड को फाइनली डिस्टिलेट आउट कर सकते हो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है या जिसका वेपर प्रेशर कम है तो हम बोलेंगे जिसका भेपर प्रेशर कम होगा उसी के प्योर फॉर्म को हम लोग सॉरी जिसका भेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसी के प्योर फॉर्म को हम लोग प्राप्त करते हैं ठीक है और जिसका बॉयलिंग पॉइंट कम होगा उसको प्राप्त करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ रही है कि दो लिक्विड आपको दिया दे दिया जाएगा क्वेश्चन में बोल देगा कोई दो लिक्विड है एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो तुमसे पूछेगा कि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो प्योर फॉर्म में आपको कौन सा लिक्विड मिलेगा तो आपको ये देखना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही लिक्विड आपको मिलेगा ठीक है या फिर जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वही लिक्विड आपको प्योर फॉर्म में डिस्टलेट के रूप में मिलेगा ठीक है और एसिड्यू के रूप में उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है जिसपे क्वेश्चन भी रहता है तो हम कह सकते हैं नोट करके कि डिस्टिलेट कौन होता है डिस्टिलेट कौन होता है डिस्टिलेट वह होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है डिस्टिलेट का कंडीशन क्या है कि दो तीन लिक्विड आप मिला दिए हो तो आपको डिस्टिलेट के रूप में कौन मिलेगा तो डिस्टिलेट के रूप में मतलब प्योर फॉर्म में कौन मिलेगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो डिस्टिलेट कौन होंगे दिस इज अ प्योर लिक्विड प्योर लिक्विड मिलते हैं इस प्योर लिक्विड की खासियत क्या होती है कि इसकी खासियत होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होना चाहिए मिनिमम मतलब जितने भी लिक्विड्स आप ले रहे हैं उसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वही आपको प्योर फॉर्म में डिस्लेट आउट होगा या फिर कह सकते हो वेपर प्रेशर के टर्म में क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है प्रोपोर्शनल टू वेपर तो प्रेशर होता है तो हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए ठीक है बच्चों रेसिड्यू के बारे में बात करें तो उल्टा हो जाएगा तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई कि डिस्टिलेट उसी का हो सकता है या डिस्टिलेशन उसी का होता है या प्योर लिक्विड उसी का प्राप्त कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है या फिर जिसका भेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है तो लिख सकते हैं लोग इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द लिक्विड द लिक्विड हैविंग मैक्सिमम और हाइयर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हाइयर वेपर प्रेशर या फिर मिनिमम और लोअर बॉयलिंग पॉइंट उिट्री एट डिस्टिलेटेड आउट डिस्टिलेटेड डिस्टिलेटेड आउट इन द्योर फॉर्म इन द्योर फॉर्म वैसे लिक्विड जिसका भेपर प्रेशर ज्यादा होता है और यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसी को हम लोग प्योर फॉर्म में डिस्प्लेट कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सो so, याद रखिएगा ठीक है बच्चों इसको हम लोग इस तरह से ही समझ सकते हैं एक थोड़ा सा दूसरे अप्रोच से देखें जैसे मान लो एक कंटेनर तुमने तो लिया एक अरेंजमेंट में बना रहा हूं जैसे मान लो मैं चार कंटेनर ले लिया इस कंटेनर को मैंने इस कंटेनर से लिंकअप कर दिया फिर इस कंटेनर को इस कंटेनर से कर दिया। फिर इस कंटेनर को इस कंटेनर से मैंने लिंकअप कर दिया और इसको सील कर दिया गया है कि कोई वेपर स्केप आउट ना हो पाए सील कर दिया गया ठीक है बच्चों अब क्या करना है यहाँ पे मैंने एक सर्टेन लिक्विड लिया सीवन कंसंट्रेशन वाला जो मैंने लिखा लिया था पहले इस सीवन कंसंट्रेशन वाले को मैंने क्या किया T1 टेम्परेचर प्रोवाइड करके मैंने इसको हीट किया उसको मुझे बॉयल करना है T1 पे बॉयल बॉइलिंग एट T1। बॉइलिंग एट T1 हो रहा है यहाँ पे C1 कंसनट्रेशन वाले लिक्विड को मैंने T1 टेम्परेचर देकर बॉयल किया अब यहाँ पे लिक्विड था पे पे कुछ लिक, यहाँ पे जो लिक्विड था उसका अपना भेपर बनेगा यहाँ पे ठीक है और जैसे जैसे भेपर होगा ये भेपर क्या होगा स्केप आउट होता जाएगा ठीक है ये जैसे ही भेपर स्केप आउट होगा यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दिस इज़ वेपराइजेशन और ये ये वेपराइजेशन की प्रक्रिया हो रही है और यहाँ पे जो लिक्विड क्या होंगे कंडेंस करके यहाँ पे जमा हो जाएंगे तुम्हारे फिर से वो लिक्विड क्या होगा कंडेंस करके तुम्हारा यहां जमा हो जाएगा यहां पे लिक्विड जमा हो गया तो यहां पे जो सीन है वो क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है यहां पे हो रहा है कंडेंसेशन अब कंडेंसेशन हो गया तो सीवन कंसनट्रेशन वाले लिक्विड को जब टीवन टेम्परेचर दे के बॉयल किया गया तो जो भी यहाँ भेपर बना उस भेपर को फिर यहाँ पे कंडेंस कर दिया गया ठीक है यानी कि इस इसी भेपर को कंडेंस किया गया है यहाँ पे फिर क्या किया गया फिर इसको मान लेते ऐसा कंसेंट्रेशन C2 हो गया अब ऐसा कंसेंट्रेशन अगर C2 हो चुका है तो फिर मैं इसे T2 टू टेम्परेचर दे के करूँगा ये T2 टू टेम्परेचर जो होगा वो T1 वन टेम्परेचर से कम होगा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वो बढ़ते जाएगा सॉरी टेम्परेचर घटते जाएगा ठीक है तो यहाँ पे बॉयल किया T2 टू टेम्परेचर पर बॉयलिंग हो रहा है फिर उसी तरह से यहां पे क्या होगा वेपराइजेशन होगा फिर यहां पे कंडेंसेशन होगा फिर यहां पे फिर से उसी तरह से यहां पे जमा हो जाएगा तो ये जो जमा हो रहा है जो सी थ्री कंसेंट्रेशन वाला लिक्विड यहां बन चुका है इसको फर्दर टी थ्री टेम्परेचर देकर मैंने क्या किया बॉयल किया फिर से ये जाएगा फिर से यहां कंडेंस करेगा यहां जमा हो जाएगा यहां जमा हो जाएगा। ये जो आपको मिला दिस इज इफ दिस इज योर फाइनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट या फिर इफ दिस इज योर फाइनल डिस्टिलेट ये कहते हैं अगर ये तुम्हारा फाइनल डिस्टिलेट है ये फाइनल डिस्टिलेट है इसका मतलब ये कुछ और नहीं ये प्योर बी है ठीक है बच्चों ये आपका प्योर बी है जो कि आपको फाइनली मिल चुका है ठीक है अब यहां पे एक थोड़ा सा मैथमेटिकल बात क्या है याद रखने वाली अब ये मान लो मैंने कंसंट्रेशन सी वन लिया तो अभी ए का मोल फ्रैक्शन मान लो मैंने माना एक्स वन अब बी का मोल फ्रैक्शन मैंने मान लिया चलो एक्स ही ले, ले लेते हैं एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन मैंने मान लिया एक्स बी ठीक है तो मोल फ्रैक्शन अब इसी का जो भीपर बनेगा तो भेपर मान लो बन गया वाई ए और ये वाई बी का कंपोजिशन आ गया तो एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सोल्यूशन फेज और वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन भीपर फेज अब इसी को तुम कंडेंस करके यहाँ लाए अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा लिक्विड का जो कंसनट्रेशन है वो एक्स ए डैश है और एक्स बी डैश है और यहाँ जो वेपर बना उसमें जो मोल फ्रैक्शन है वाई ए डैश है वाई बी डैश है उसी तरह से यहां पे मान लो एक्स ए डबल डैश है एक्स बी डबल डैश है यहाँ बन जाएगा वाई ए डबल डैश वाई ए डबल डैश और यहां जो बन रहा है तुमको यहां पे यहां ऑबियस है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं तुमको तो यहां मान लेते हैं एक्स ए ट्रिपल डैश और वाई ए ट्रिपल डैश सॉरी सॉरी एक्स ए और एक्स बी ट्रिपल डैश तो एक्स ए ट्रिपल डैश एक्स बी ट्रिपल डैश अब तुम यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हो चूंकि तुम इसी भेपर को कंडेंस करके यहाँ जमा किए हो तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या कि वाई ए बराबर एक्स ए डैश एंड वाई बी बराबर एक्स बी डैश यानी कि इस दोनों के रिलेशन से हम पहला कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि वाई ए बराबर एक्स ए डैश एंड वाई बी इज इक्वल टू एक्स बी डैस ये तो होना ही था क्योंकि जो भेपर आप यहाँ पे लिए हैं उस भेपर में जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन है उसी को तो आपने यहाँ पे कंडेंस किया है तो जब आपने सिर्फ यहाँ पे कंडेंस किया है उस भेपर को तो ए और बी की जो मोल होंगे उस भेपर में जितने होंगे वही तो उस लिक्विड में होंगे बस यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है ये भेपर है और ये लिक्विड है सेकेंड हम लोग क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि ये जो वाई ए डैश होगा ये एक्स ए डबल डैश के बराबर हो जाएगा यानी कि वाई ए डबल डैश वाई ए डैश इज इक्वल टू एक्स ए डबल डैश एंड वाई बी डैश इज इक्वल टू एक्स बी डबल डैश और इन द सेम वे हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं क्या कि वाई ए डबल डैश बराबर एक्स ए ट्रिपल डैश वाई ए डबल डैश बराबर x a triple dash and y b double dash is equal to x b triple dash ठीक है अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन करें कि x a x a double dash और x a triple dash के बीच तो जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को पता था कि वेपर प्रेशर ऑफ ने एग्जाम लिया था कि भेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन प्रेशर ऑफ बी हम लोगों को पता था तो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं और हम लोग इस पी कंक्लूजन लिखे थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी यह हम लोगों को पता था तो जैसे जैसे हम लोग कंपोजिशन में आगे जाते जा रहे हैं तो क्या होगा एक्स ए एक्स ए डैश एक्स ए डबल डैश एक्स ए ट्रिपल डैश तो यहाँ पे एक्स ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एक्स बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा प्योर बी मिलता जाएगा क्योंकि वही लिक्विड हमको फाइनली मिलते हैं जिसका भेपर प्रेशर ज़्यादा होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट कम यानी कि एक्स बी ट्रिपल डैश की वैल्यू एक्स बी डबल डैश से ज़्यादा होगी एक्स बी डबल डैश की वैल्यू एक्स बी डैश से ज़्यादा होगी और एक्स बी डैश की वैल्यू एक्स बी से ज़्यादा होगी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज पहली बात मैं लिख रहा हूं कि एक्स बी ट्रिपल डैश इज़ हायर देन एक्स बी डबल डैश इज हायर देन एक्स बी डैश इज हायर देन एक्स ई उसी तरह से अगर हम बात करें सॉरी एक्स बी उसी तरह से हम लोग कंपेयर करें एक्स ए को तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे एक्स ए का मान घटता जाएगा है ना यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स ए का मान होगा वो काफ़ी कम होगा क्योंकि मुझे ये प्योर बी मिल रहा है यानी कि ए जो है इज नेगलेक्ट इज इन नेग्लिजिबल अमाउंट ये क्या है इन नेग्लिजिबल अमाउंट है तो हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या तो ये जो ए नेग्लिजिबल है तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा होगा यानी कि एक्स ए ट्रिपल डैश इज लेस देन एक्स ए डबल डैश इज लेस देन एक्स ए डैश इज लेस देन एक्स ए तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है बी का मोल फैक्शन बढ़ता जा रहा है तो बी किस कौन है बी वह है जिसका वेपर प्रसर ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट कम है है ना ठीक है उसी तरह से तुम वाई वाई ए वाई ए डैश और वाई डबल डैश में रिलेशन निकाल सकते हो तो चूंकि हम ये जैसे जैसे नीचे गए थे तो मोल फैक्शन क्या हो गया था घट गया था तो ये वाई ए का भी कंपेरिजन कर लेते हैं तो चूंकि एक्स ए ट्रिपल डैश सबसे कम है यानी कि वाई ए डबल डैश सबसे कम होगा उसके बाद वाई तो ए डैश यानी कि रिलेशन लिख लें वाई ए डबल डैश इज लेस देन वाई ए डैश इज लेस देन वाई ए और अगर हम लोग यहाँ से लिखें वाई बी को कंपेयर करें तो हम लोग देखे थे एक्स बी ट्रिपल डैश सबसे ज़्यादा था यानी कि वाई बी डबल डैश सबसे ज़्यादा होगा इस तीनों में तो हम यहाँ लिख देंगे वाई बी डबल डैश इज ग्रेटर देन वाई बी डैश इज ग्रेटर देन वाई बी ठीक है बच्चों तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एक बात और ये तो आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन टेकन था इसको आपको बोल देगा फर्स्ट डिस्टलेट ये हो गया आपका सोल्यूशन टेकन जो आपने सोल्यूशन लिया ये जो लिक्विड है दिस इज दिस लिक्विड दिस लिक्विड इज सोल्यूशन टेकन दिस दिस लिक्विड ये जो लिक्विड है ये आपका फर्स्ट डिस्टलेट है फर्स्ट डिस्टलेट कहते हैं इसको डिस्टलेट के बारे में तुम, तुम बता चुका हूं वह लिक्विड जिसको आप कंडेंसेशन करके प्राप्त कर रहे हैं तो इस लिक्विड को बॉयल किया कंडेंस किया कंडेंस के बाद जो बचा यहां पे जो यहां पे लिक्विड बन गया उसी को डिस्टिलेट कहते हैं जो यहां बच जाएगा इसके निकलने के बाद जो यहां बच जाएगा दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू और जो यहां पे बन जाएगा जो जो यहां पे कंडेंस होकर मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट अब इसको फर्दर यहां पे निकाले तो यहां फिर से यहां पे एक लिक्विड मिला दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिस्टिलेट सेकेंड डिस्टिलेट एन द सेम वे दिस इज दिस लिक्विड इज कॉल्ड यहां पे जो लिक्विड मिल रहा है दिस इज योर थर्ड डिस्टिलेट तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट डिस्टिलेट सेकंड डिस्टिलेट और थर्ड डिस्टिलेट में आप एक के अमाउंट को कंपेयर करें या एक के कंसंट्रेशन को कंपेयर करें तो हमको पता है कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एक की मात्रा घटते जा रही है ठीक है या फिर कह सकता है फर्स्ट डिस्टलेट सेकेंड डिस्लेट और थर्ड डिस्लेट में आप बी की मात्रा कंपेयर करें तो हम लोगों को पता यहाँ पे है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बी की मात्रा बढ़ते जा रही है ठीक है बच्चों तो जो मुख्य बातें यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी वो भेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट था जिसका भेपर प्रेशर ज़्यादा होगा यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसी को हम लोग जैसे जैसे हम लोग उसको डिस्लेट करते जाएंगे उसका मोल फ्रैक्शन आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा ठीक है बच्चों आपको थोड़ा सा मैं केस स्टडी देता हूँ देखते हैं जैसे मान लिया जाए कि किस स्टडी लिख दें फर्स्ट केस एक मैं आपको एक पूरा लैब सिचुएशन दे रहा हूँ ठीक है जब ध्यान से समझेंगे जैसे कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया ठीक है इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्यूशन लिया जो टेकन सॉल्यूशन जिसको मैंने कहा था पीछे इसमें ए भी है और बी भी है ठीक है और इसको तुम एक सर्टेन टेम्परेचर दिए तुम टी टेम्परेचर पे तुम इसको बॉयल किए एक टी टेम्परेचर पे तुम इसको बॉयल कर रहे हो जैसे बॉयल करोगे यहाँ वेपर बनना शुरू हो जाएगा और एक इक्लिब्रियम को गेन करेगा उस इक्लुब्रियम के समय यहाँ एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम लोग इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कह देंगे या फिर पी टोटल भी कह सकते हैं पी टी तो ये पहला सीन है तो यहाँ पे पी टी क्या है पी टी इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो और ए और बी क्या है ए एंड बी दो दोनों है वो लिक्विड हैं लिक्विड है मतलब वोलाटाइल है लिक्विड है नेचर कैसा होगा वोलाटाइल का होगा ठीक है और मान लेते हैं यहाँ पे कंजेंशन लेते हैं लेट एक्स जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ही लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है इन सोल्यूशन और वाई जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी है इन सॉल्यूशन ठीक है अब इसको तुमने क्या किया आ, इसको मैंने हिट किया है टी टेम्परेचर पे अब इसी में क्या किया इसी भेपर, भेपर को मैं कंडेंस करना चाहता हूं तब मैं कंडेंस करूंगा पहले मैंने क्या किया एक केस स्टडी चल रहा है फर्स्ट केस है ये जो डिस्कस कर रहा हूं ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं इसी लिक्विड को जब मैं टी टेम्परेचर बॉईल किया तो जो भेपर बने उसको हम लोग कंडेंस कर लिए हैं चूंकि तो इसको कंडेंस कर लिए हम लोग ठीक है तो फिर से यहाँ पे कुछ बच जाएगा इसी को यहाँ से कंडेंस कर लिया गया ये मान लो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको कंडेंस कर लिया यहाँ पे एक कंटेनर है इस कंटेनर पर मैंने कंडेंस कर लिया है ठीक है तो जो वेपर यहां बना उसको मैंने कंडेंस कर लिया है अब मान लेते हैं यहां पे एक तो सर्टेन लिक्विड यह टेकन सोल्यूशन है जो पहला सोल्यूशन है और यह जो हमारा है, है यह पहला रेसिड्यू है, है ना? क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया है ये इसमें से जो निकल गया है वो ये है तो ये हमारा डिस्टिलेट है पहला डिस्टिलेट और ये हमारा पहला रेसिड्यू है ठीक है अब यहाँ पे मेरा रेसिड्यू बना बच गया है यहाँ पे दिस इज रेसिड्यू यानी कि इस भेपर को निकालने के बाद मैंने यहाँ पे इसको जमा कर लिया जो जमा कर दिया ये मेरा पहला डिस्टिलेट आया ये मेरा पहला डिस्टिलेट आ चुका है और जो यहाँ बच गया ये मेरा पहला रेसिड्यू है रेसिड्यू मतलब जो कंटेनर में रह जाए दैट इज रेसिड्यू डिस्टिलेट जिसको हम लोग कंडेंसेशन के बाद प्राप्त करते हैं वो डिस्टिलेट अब हम लोग ये देखते हैं कि इस रेसिड्यू का भी अपना एक वेपर प्रेशर होगा सारा का सारा वेपर तो यहाँ नहीं चला जाएगा तो अपना एक भेपर प्रेशर तो ये मेंटेन करेगा एक को और ये मान लेते हैं जो भीपर प्रेशर बनाया उसी टेम्परेचर पे दिस इज पी आर ये याद रखना है यहाँ पे यह अपना डिस्टिलेट है या फिर इसको हम लोग कंडेंसेट भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कंडेंसेट भी कहते हैं कंडेंसेट कंडेंसेट कहो या फिर डिस्टलेट कहो बात एक ही है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कंडेंसेट भी कंडेंसेशन के बाद जो मिलता है उसको हम लोग कंडेंसेट कह देते हैं ठीक है अब देखो अब मान लेते हैं एक तुम यहां पे कहा जा रहा है इफ एक्स ए डैश इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कंडेंसेट इसमें कंडेंसेट और एक्स ए डबल डैश इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन रेसिड्यू ये मैंने यहां पे एक एग्जाम्स लिया है कि इसमें जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए डैश है और इसमें जो ए का मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है दैट इज एक्स ए डबल डैश और उसी तरह से एक्स बी डैश इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन कंडेंसेट कंडेंसेट और एक्स बी डबल डैश इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन रेसिड्यू इन रेसिड्यू ठीक है बच्चों तो यहां हम लोगों ने देखा कि मैंने कुछ एजेंशन लिया x डैश एक्स ए डबल डैश एक्स बी डैश एक्स बी डबल डैश तो इसमें कंडेंसेट में जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन है वो x डैश और एक्स बी डैश है जबकि रेसिड्यू में जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन है वो एक्स बी डैश और एक्स बी डबल डैश है और मैं पहले ही ले चुका हूँ कि x जो है वो a का मोल है और y जो है वो b का मोल है नंबर ऑफ मोल है इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ मोल होगा a का और इसमें जो नंबर ऑफ मोल होगा a का उस दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो x के बराबर हो जाएगा और इसमें जो मोल होगा b का और इसमें जो मोल होगा b का इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये y के बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे एक रिलेशन निकाला गया है कि अगर ये जो है वन बाय एन पार्ट है रेसिड्यू का अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है अब इतना के बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहते हैं हम इफ कंडेंसेट इज कंडेंसेट इज वन बाय पार्ट ऑफ ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन इनिशियल सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन टेकन इनिशियल सोल्यूशन और टेकन सोल्यूशन टेकन सोल्यूशन देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी इन द इनिशियल सोल्यूशन इनिशियल सोल्यूशन यानी कि हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि भाई कि इस सॉल्यूशन में ए और बी की कितनी मात्रा थी हमको ये बताओ कितना मोल था तो हमको इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है अपने को एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है और अपने को जो पूरा सीन मिला है वो पूरा सीन यहाँ पर ये मिला हुआ है ठीक है तो हम लोग को एक बात पता है कि कंडेंसेट जो है वन बाय एन एथ पार्ट है और रेसिड्यू क्या है कितना हो जाएगा तो अगर हम लोग ऐसे माने तो इसको लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन देखा जाए कंडेंसेट uh, अपना कितना दिया हुआ है कंडेंसेट जो है वो अपना वन बाय एन पार्ट दिया हुआ है देन रेसिड्यू कितना हो जाएगा रेसिड्यू विल बी वन माइनस वन बाय एन जो बच गया वन बाय एन पार्ट निकल गया तो वन में से वन बाय एन पार्ट निकल गया तो कितना बच गया एन माइनस वन बाय एन पार्ट यानि कि जो कंडेंसेट है ये जो कंडेंसेट है ये वन बाय एन पार्ट ऑफ इनिशियल सोल्यूशन है और ये जो रेसिड्यू जो जो बचा हुआ है आपका दिस इज एन माइनस वन बाय एन पार्ट ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन है अब इसी के मदद से हम लोग काम कर लेंगे चूंकि हम लोग को पता है हम लोग को क्या पता होता है कि अगर हम लोग किसी को नंबर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं चूंकि मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल किसका जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मान लो ए निकालना है ऑफ ए तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे ऐसे करते हैं तो मुझे क्या निकाला नंबर ऑफ मोल तो नंबर ऑफ मोल जो होता है वो मोल फ्रैक्शन और टोटल मोल के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं हम लोग यानी कि यहां एक रिलेशन लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी अब इसी रिलेशन का हम लोग क्या करेंगे यूज़ करेंगे और हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे ठीक है बच्चों तो हमको ये पता चल चुका है कि नंबर ऑफ मोल अगर मुझे निकालना है किसी का तो हम सिंपली क्या करें उसके मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल टोटल मोल को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके मोल फ्रैक्शन से तो हमको उस कॉम्पोनेंट का क्या निकल जाता है नंबर ऑफ मोल निकल जाता है अब हमको देखना है ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ मोल क्या हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ मोल इन रेसिड्यू कितना है और टोटल नंबर ऑफ मोल इन कंडेंसेट कितना है तो कहते हैं दैट इज हमको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा तो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी इन रेसिड्यू या फिर पहले इन कंडेंसेट करते हैं इन कंडेंसेट कितना हो जाएगा तो दिस विल बी कितना हो कंडेंसीट कितना है वन बाय एन पार्ट तो वन बाय एन पार्ट ऑफ टोटल मोल कितना था पहले अगर टोटल मोल ए का एक्स माना गया था और वाई का बी माना गया था तो वन बाय एन पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई जो कि एक्स क्या था इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ बी दोनों को जोड़ दे दिस इज टोटल मोल ऑफ ए एंड बी उसका वन बाय एन पार्ट है आपका कंडेंसीट में और उसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी इन रेसिड्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जाएगा? इन कितना तो दिस कुड बी एन माइनस वन बाय एन ऑफ एक्स प्लस वाई यानी कि जो टोटल मोल थे वो एक्स प्लस वाई थे जो आपने लिया था शुरू में उस एक्स प्लस वाई का वन बाय एन पार्ट कंडेंसेट में चला गया है और एन माइनस वन बाय एन पार्ट एक रेसिडियो में रह गया है और ये जो इंफॉर्मेशन है वन बाय एन वाला ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था तो कंडेंसेट में ए और बी की मात्रा कितनी होगी टोटल मोल कितने होंगे ए और बी के वो टोटल मोल का वन बाय एन पार्ट होगा और रेसिडियो में कितने बच गए होंगे वो एक्स और वाई के टोटल का एन माइनस वन बाय एन टाइम्स होगा ठीक है अब मुझे ये निकल चुका है कि ए और बी का सम कंडेंसेट और रेसिडियो में कितना है तो अब मुझे निकालना है कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा तो मोल फ्रैक्शन तो हमको दिया हुआ था एक्स ए एक्स ए डैश मैंने यहां लिखा था मोल फ्रैक्शन तो मोल फैक्शन मुझे दिया हुआ था एक्स ए डैश एक्स ए डबल डैश एक्स बी डैश एक्स बी डबल डैश अब मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा ठीक है तो अब मुझे क्या निकालना है मुझे एक्स निकालना है अगर मुझे एक्स निकालना है तो मुझे लिखना क्या पड़ेगा मोल ऑफ एक्स इन कंडेंसेट कंडेंसेट प्लस मोल ऑफ सॉरी मोल ऑफ ए हमको एक्स निकालना है एक्स इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए मुझे क्या निकालना है एक्स निकालना है एक्स इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए तो मोल ऑफ ए इन कंडेंसेट प्लस मोल ऑफ ए इन रेसिड्यू ये करना पड़ेगा मोल ऑफ ए इन कंडेंसेट बराबर क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कंडेंसेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोल ऑफ कंडेंसेट टोटल मोल कितना था मैंने निकाला था वन बाय एन इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स बराबर क्या निकला एक्स ए डैश प्लस वन बाय एन एक्स इंटू वाई है ना प्लस मोल ऑफ ए इन रेसिड्यू तो रेसिड्यू में कितना है एक्स ए डबल डैश एक्स ए डबल डैश है ठीक है रेसिड्यू में कितना लिखा था मैंने एक्स ए डबल डैश ही लिखा था रेसिड्यू में एक्स ए डबल डैश तो एक्स ए डबल डैश इन टू अब कितना मोल तुम्हारा रेसिड्यू में बच गया है तो रेसिड्यू में जो बच गया था वो कितना था एन माइनस वन बाय एन इंटू एक्स सॉरी एक्स प्लस वाई ये चीज़ है अब इसी के आधार पे हम लोग सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे हम लोग को लिख दिया जाए वाई की वैल्यू निकालो जो तो पहला कैलकुलेशन था जो मेरा काम हो चुका है अब मुझे निकालना है दूसरा बात वाई का वैल्यू निकालो तो वाई क्या हो जाएगा एक्स बी डैश इंटू वन एन इंटू x plus y plus x b डबल डैश into n minus वन by n into x plus y ये y का मान निकल गया अब तुमसे कुछ पूछ देगा इसी में एक और मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं कि पीटी का मान निकालो तो पीटी का मान तुम लोगों को पता है पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ और पी ए के जब हम क्या लिए सकते हैं नॉट नॉट एंड आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द इनिशियली टेकन सोल्यूशन एक्स ए और एक्स बी क्या है शुरू में आपने जो सोल्यूशन लिया था उसका उसमें जो ए है उसका मोल फैक्शन है तो इसको लिख सकते पी ए नॉट इंटू तो एक्स ए निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल प्लस बी निकालना है तो पी बी नॉट इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय टोटल मोल यानी कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या देगा आपको आपको लिखेगा कि दो लिक्विड का सोल्यूशन बनाए और उसमें से एक कंडेंसेट को मैंने निकाल दिया वो कंडेंसेट जो है वो इनिशियल कंसन इनिशियल सोल्यूशन का इतना गुना है इतना टाइम्स है अब आपको बताना है कि पीटी का मान कितना रहा होगा शुरू में तो आपको तो सबसे पहले एक्स और वाई का मान निकालना पड़ जाएगा और एक्स और वाई का मान निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन कंडेंसेट में और रेसिडियो में दोनों पता होना चाहिए आपको जब दोनों पता रहता है कि कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन कितना है रेसिड्यू मोल फ्रैक्शन कितना है और कितना गुना से कंडेंसेट सेपरेट आउट हुआ है कितने टाइम्स में तो आप यहां से एक्स की टोटल वैल्यू यहां पे ला सकते हैं ठीक है केस स्टडी टू केस टू सेकंड केस लेता हूं सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूं तो आपको क्या कर देगा कि दो लिक्विड तो आपको दिया जा रहा है लेकिन दोनों लिक्विड आपस में इमिसिबल हैं दोनों आपस में घुलते नहीं हैं जब दोनों आपस में घुलते नहीं हैं तो आपको ये बताना है कि भाई इसके भेपर प्रेशर का रेशियो क्या होगा या फिर इसका जो टोटल प्रेशर होगा उसका वैल्यू क्या होगा तो आपको जो सेकेंड सीन में बता रहा हूं दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स ये भी इम्पोर्टेंट है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल एम आई एस सी आई बी एल ई मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इमिसिबल का मतलब क्या होता है वैसे लिक्विड जो आपस में सोल्यूशन नहीं बना पाते हैं घुल नहीं पाते हैं दैट इज कॉल्ड इमिसिबल जैसे ऑयल एंड वाटर को मिला लो तो ये आपस में घुल नहीं पाएंगे जब तक कि हम लोग बाहर से कुछ उसमें एडिशनल सर्फेक्टेंट नहीं डालें तब तो तक तो नहीं घुलते हैं वो तो सर्फेक्टेंट की बात यहाँ नहीं करनी है तो बेसिकली जो आपस में ना घुलें दैट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स तो इसमें जो पहली बात होगी जैसे तो तुमसे पूछ देगा कि इसका मान लो ए लिक्विड है ए एंड बी आर इमिसिबल लिक्विड इमिसिबल लिक्विड्स आपको दिया गया है तो आपको बताना है कि क्या होगा पी का मान क्या होगा तो जैसे मान लो कि एक पहला पहली बार सिखा रहा हूं तुम तो लोगों को कि ये कंटेनर ले लेना है तुम्हें उस कंटेनर में ए और बी दोनों को मिला देना है लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है बच्चों क्योंकि तो ये इमिसिबल लिक्विड्स है अब यहाँ पे प्रेशर बनेगा इसका अपना प्रेशर रहेगा यहाँ पे प्रेशर ए का रहेगा यहाँ प्रेशर बी का रहेगा तो आपको यह बताना है कि टोटल प्रेशर कितना रहेगा पीटी का मान कितना रहेगा दिस तो पीटी का मान निकालना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस मिक्सर का क्या रहेगा ए और बी के मिक्सर क्या रहेगा तो देखो चूंकि ये दोनों आपस में घुले नहीं अब चूंकि ये दोनों आपस में घुले नहीं तो यहाँ जो जो भी भेपर बनेगा उसका बी से कोई लेना देना नहीं अब बी का इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि कोई आपस में इंट्रैक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है पी ए की वो पी ए नॉट ही कहलाएगी अब पी बी की पी बी नॉट ही कहलाएगी तो सिंपली मैं कह दूं कि जब भी आपको वैसे दो लिक्विड्स या ज़्यादा लिक्विड का मिश्रण दे दिया जाए सॉल्यूशन मिक्सचर दे दिया जाए जो आपस में घुलें ही नहीं तो उनका पीटी निकालने का तरीका या फिर पी मिक्सचर निकालने का तरीका क्या करना है कोई रॉल्स-वॉल्स नहीं लगने वाला सिंपली ए का प्रेशर जो प्योर फॉर्म में है और बी का प्रेशर जो प्योर फॉर्म में है जोड़ दो जब बना बनाए नहीं तो क्या उसमें रॉल्स सॉल्व लगेगा और सॉल्यूशन बनाए नहीं तो आपस में क्या इंट्रेक्शन होंगे तो जितना ये प्योर फॉर्म में ए अपना वेपर प्रेशर शो करता था सॉल्यूशन फॉर्म में ए भी उतना ही वेपर प्रेशर शो करेगा बी भी उतना ही वेपर प्रेशर शो करेगा अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वेपर प्रेशर आपस में जुट जाएंगे यहाँ पे कोई भी मोल फ्रैक्शन का कोई सीन नहीं होगा कितने मोल फ्रैक्शन को कितने से मिलाया गया इससे कोई लेना देना नहीं है इसका जितना प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर वो बनाएगा ही इसको जितना मोल फ्रैक्शन बना जितना प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर बनाना था वो बनाएगा ही दोनों का सिंपली जोड़ देना है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ लिक्विड सोल्यूशन लिक्विड मिक्सचर अब सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको क्या कह देगा कि ये बताइए कि वॉट इज द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ ए एंड बी इन दर भेपर में ए और बी का रेशियो क्या होगा या इनका वेट का रेशियो क्या होगा तो मोल रेशियो मोल रेशियो ऑफ ए एंड बी इन भेपर आपसे पूछा जाएगा ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपको तो देखो यहाँ पे यहाँ पे करना क्या है हम लोग यहाँ पे भेपर की बात कर रहे हैं मोल किसका मोल रेशो किसका ए और बी का इन भेपर तो हम लोग क्या करते हैं भेपर पे हम लोग क्या करेंगे आइडियल गैस लगा देंगे तो हम लोग को पता है कि ए का प्रेशर कितना है पी ए नॉट और वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ का जो यहाँ जो स्पेस होगा दिस इज अ वॉल्यूम मान लो वॉल्यूम भी है ये वी कट वी ओपन वॉल्यूम है यहां पे, जिसमें ए और बी जो है फैले हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं फॉर ए क्या लिख सकते हो फॉर ए हम लोग लिख सकते हैं कि भाई पी ए पी ए नॉट इन टू इज इक्वल टू एन ए आर टी क्योंकि पी ए क्या है प्रेशर ऑफ ए इन दिस स्पेस भी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इन दिस स्पेस आर इज अल गैसेंट मोल गैस कॉन्स्टेंट एन टीज देश प्रोवाइडेड ठीक है टी टेम्परेचर उसी तरह से फॉर बी की बात करें फॉर बी क्या लिख सकते हो पी बी नॉट इंटू भी इज इक्वल टू एन ए आर टी अब यही चीज अगर ट्रू सोल्यूशन होता तो पी ए नॉट यहाँ पे नहीं लिखा था बच्चों यहाँ पे लिखा था पी ए नॉट इंटू एक्स ए है ना संभल करके लेकिन यहाँ पे इमिसिबल है तो यहाँ पे जो भीपर प्रेशर वही लिखाएगा यहाँ पे भेपर प्रेशर पी ए नॉट है तो पी ए लिखा, पी ए नॉट लिखाया अगर यहाँ का भेपर प्रेशर पी ए रहता है, तो पी ए लिखाता तो जो यहाँ पे लिख वेपर है उसी का लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक एक्जम्पन लिया हुआ है कि भेपर को हम लोग यहाँ पे गैस लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं आइडियल कैसा वो बिहेव कर रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये लगाना ही है जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा रहता है नहीं ही कहा रहता उतना कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में नहीं होता है ठीक है आप आराम से भेपर पे ही गैस uh, इक्वेशन लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब आपको निकालना है एन ए और एन सॉरी एन बी एन ए और एन बी का रेशियो दैट इज एन ए बाय एन बी क्या हो जाएगा एन ए बाय क्या हो जाएगा बच्चों देखो एन uh, ए का मान क्या होगा पी नॉट भी बाय आर टी पी ए नॉट भी बाय आर टी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा पी नॉट भी बाय आर टी पी नॉट बी इंटू भी पी नॉट बी इंटू भी आर टी यहाँ से देखो आर टी आर टी कट गए भी कट गए तो यहाँ से क्या आ गया पी ए नॉट बाय पी बी नॉट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपसे अगर बोल दिया जाए कि भाई ए और बी दो इमिसिबल लिक्विड हैं और दोनों को मैंने आ, दोनों को मैंने मिला दिया किसी सोल्यूशन में किसी मिक्सर को मैंने बना दिया और ए का प्योर फॉर्म में भेपर प्रेशर इतना है और बी का प्योर फॉर्म में भेपर प्रेशर इतना है तो बताइए जो भीपर बनेगा उसमें ए और बी का मोल रेशियो क्या होगा तो कुछ नहीं करना है दिमाग लगाने की बात ही नहीं है बस जो भीपर प्रेशर आपको दिया जाएगा उसका रेशियो निकाल लीजिए वही उसका मोल रेशियो हो जाएगा इन भेपर प्रेशर थोड़ा तो संभल करके यहाँ पे इन भेपर की बात हो रही है ये यहाँ इन लिक्विड की बात नहीं हो रही है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ ये बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन निकल चुका है कि एन ए बाय एन बी इजिक्वल्स टू पी ए नॉट बाय पी बी नॉट प्योर फॉर्म में ए और बी के वेपर प्रेशर का जो रेशियो होता है वही रेशियो मोल का होगा इन वेपर फेज ठीक है अब अगर आपको एन ए और एन बी का रेशियो निकल चुका है तो आप मोल रेशियो निकाल चुके हैं तो मास रेशियो भी निकाल निकाल सकते हैं तो मास रेशियो अगर आपसे पूछ दे तो वो भी निकाल सकते हैं तीसरी बात अगर मुझे मास रेशियो पूछ दे मास रेशियो ऑफ मास रेशियो ऑफ ए एंड बी इन इनपर ये पूछती है आपको ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो चूंकि आपको मोल रेशियो पता है तो मास रेशियो में क्या रह गया तो मोल रेशियो पता है तो मास मोल नंबर ऑफ मोल क्या होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू वेट इन ग्राम ऑफ बी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इज इक्व टू पी ए नॉट बाय पी बी नॉट अब यहाँ से हमको निकालना है डब्लू ए बाय डब्ल्यू बी तो कहेंगे डब्लू ए बाय डब्ल्यू बी इज इक्व टू पी ए नॉट बाय पी बी नॉट इंटू डब्ल्यू सॉरी एम ए बाय एम बी सिंपल इस तरह से है ना तो हम लोग क्या किए दो केस स्टडी किए पहले केस स्टडी में तो हम लोगों ने भाई बहुत ही बेहतरीन बातें सीखी कि भाई कंडेंसेट कित इतना टाइम्स निकल चुका मेन से तो बताना है आपको कि टोटल मोल इनिशियल में कितना रहा होगा आपको टोटल प्रेशर कितना बना होगा रेसिड्यू का प्रेशर कितना रहा होगा मोल फ्रैक्शन कंडेंसेट में कितना रहा होगा मोल फ्रैक्शन रेसिड्यू में कितना रहा होगा ये सारी बातें हम लोगों ने वहाँ से सीख ली है दूसरा केस भी बेहतरीन था उसमें उन्होंने दो इमिसिबल लिक्विड्स को मैं आपस में मिला दिया था अब तुमसे पूछा गया टोटल प्रेशर कितना होगा तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हो सकता है तुमको ए और बी की क्या नंबर ऑफ मोल भी तुमको दे दे भैया सॉल्यूशन में जो बनाया गया ए का इतना मोल लिया गया लेकिन बी का मोल इतना लिया गया तो बताओ टोटल प्रेशर कितना रहा होगा तो तुम सीधे वहां पर रॉल्स लॉ लगा दोगे नहीं भैया वहां पर रॉल्स लॉ नहीं लगाना है वहां पर सीधे आपको क्या करना है कि जो आपका ओरिजिनल प्योर फॉर्म में भेपर प्रेशर है सिंपली उसको जोड़ दीजिए जब इंट्रैक्शन हुए ही नहीं है आपस में सोल्यूशन बना ही नहीं है आपस में तो कहीं भी रॉयल्स लॉ लगना नहीं है यहां पे सिंपली ऐड द प्रेशर ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड्स अब और पूछा जाए मोल रेस मोल रेशियो ऑफ ए एंड बी तो सिंपली उसके वेपर प्रेशर के रेशियो बराबर होगा और मास रेशियो पूछ दिया जाए दिस इज सो इजी मोल रेशियो सॉरी जो उसका वेपर प्रेशर का रेशियो होगा और रेसिप्रोकल ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ई e, हाँ ठीक तो है एम ऊपर चला जाएगा एम पर तो जो वेपर प्रेशर रेशियो होगा और जो आपका मोलिकुलर वेट का रेशियो होगा उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेपर प्रेशर का रेशियो और मोलिकुलर वेट के रेशियो के प्रोडक्ट से आपको वेट का रेशियो मिल जाएगा ठीक है बच्चों आई थिंक आपको आज का लेक्चर काफ़ी समझ में आ चुका होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था इसको एक दो बार अच्छे से पढ़िए समझिए कोई डाउट है तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन फ्रीली आस्क कमेंट थैंक यू